तेनारायण पांडे के अंदर जितनी विशेषताएं हम गिना नहीं सकते हैं। जैसे किसी अगर बेरोजगार की लड़ाई लड़नी हो तो सबसे पहली आवाज तेनारायण पांडे उठाते हैं। किसान के दुख दर्द की आवाज जो सबसे पहली आवाज तेनारायण पांडे उठाते हैं। फैजाबाद में अगर तेनारायण पांडे बोलते हैं कि आवाज विधानसभा ने लोकसभा तक रखती है, ऐसा नेता होना चाहिए जो हर आदमी दुख में सुख में, अगर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी है, अगर हमने मंत्री जी को निमंत्रण दिया तो हमारी विधायक जी उस समय भी आके खड़े होते हैं, प्रसाद लेते हैं भगवान सत्यनारायण का। जनसंघ पार्टी से जब चल रही थी पहले, तभी से हम उसी में है और उसी में रहेंगे जब तक मर नहीं जाएंगे। यानी आप बीजेपी में रहे जी। वो विकास का दूसरा नाम ही तेनारायण और पवन पांडे है, ठीक ना। जो ये विकास विकास का नारा लोग देते हैं, हमारी समस्या तो बहुत दूर दूर तक समझ में नहीं आता है कि कहाँ इनका विकास हुआ है। इनका विकास तो अभी पैदा नहीं हुआ है। हमारा जो विकास है तेनारायण है वो दिखता है। आज आप जिस विधानसभा में गए हैं, पाँच बड़ी सड़कें हैं। खुशहालगंज का किसान जब गन्ना लाद के टाली लेके मसौदा आता था तो डेढ़ घंटे का समय उसको लगता था, आज वो 45 मिनट में मसौदा मिल पहुंच जा रहा है। तेल बच रहा है, गाड़ी की सर्विसिंग बच रही है और तमाम सुविधाएं उसको। मेडिकल कॉलेज का निर्माण पवन पांडे की देन। हमारे यहाँ घाटों पर चेंजिंग रूम का निर्माण पवन पांडे की देन। हम विधायक ऐसा चुनना चाहते हैं और उस दल का नेता ऐसा चुनना चाहते हैं जिसको जो रोजगार दे सके, हमें अच्छी सुविधा दे सके, महंगाई कम कर सके, हम उनको चुनना चाहते हैं। और इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पवन पांडे जी को यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं। हम लोग हर वर्ग के उनको नेता के रूप में चुनना चाहते हैं। विधानसभा में 14 बीघा पश्चर जमीन थी, ये सरकार जबरदस्ती तानाशाही में सरकार के पूर्ता खिलाफ। इस समय मैं अयोध्या विधानसभा के डजोरा मोड़ पर खड़ा हूँ। इस समय सच 24 इंडिया की टीम विभिन्न विधानसभाओं में पहुँच ग्रामीणों की राय जानने का प्रयास कर रही है कि लोग किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे। आइए जानते हैं ग्रामीणों की राय। अब यह आप बताइए, 2022 में होने वाले चुनाव में आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार तेनारायण पांडे की। समाजवादी कहें या तेनारायण पांडे कहें, हम पवनवादी हैं। हाँ, तो क्या विशेषता है? तेनारायण पांडे के अंदर जितनी विशेषताएं हम गिना नहीं सकते हैं। जैसे किसी अगर बेरोजगार की लड़ाई लड़नी हो तो सबसे पहली आवाज तेनारायण पांडे उठाते हैं। किसान के दुख दर्द की आवाज जो सबसे पहली आवाज तेनारायण पांडे उठाते हैं। फैजाबाद में अगर तेनारायण पांडे बोलते हैं कि आवाज विधानसभा ने लोकसभा तक रखती है, ऐसा नेता होना चाहिए जो हर आदमी दुख में सुख में, अगर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी है, अगर हमने मंत्री जी को निमंत्रण दिया तो हमारी विधायक जी उस समय भी आके खड़े होते हैं, प्रसाद लेते हैं भगवान सत्यनारायण का। तो हमें ऐसा विधायक चाहिए। और जो विकास की आप सड़क देख लीजिए, आप हमारे यहाँ जो भी सड़कें हैं आज और विधानसभा में देख लीजिए, आप हमारी विधानसभा में देख लीजिए, सारी विधानसभा सड़कें 2 साल में उखड़ जाती है। हमारी विधानसभा 10 साल हो गया है, एक भी सड़क कोई बता दीजिए उखड़ के माननीय तेनारायण पांडे जी ने बनवाया हो। तो विकास के नाम पर अगर देखा जाए तेनारायण पांडे के नीचे सारे विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर अयोध्या विधानसभा में विकास हुआ है तो सिर्फ तेनारायण पांडे जी के कार्यकाल में, इसलिए हमको वोट देना चाहते हैं। दादाजी, आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? भैया, इस बार से हम सरकार हमने बनाई तो बने ना अकेल के, और हम जौन बाटे जनसंघ पार्टी से जब चल रही थी पहले, तभी से हम उसी में है और उसी में रहेंगे जब तक मर नहीं जाएंगे। यानी आप बीजेपी में रहे जी? हाँ भैया, आप बताइए। अभी तो बोले अगर विकास का दूसरा नाम ही तेनारायण और पवन पांडे है, ठीक ना। जो ये विकास विकास का नारा लोग देते हैं, हमारी समस्या तो बहुत दूर दूर तक समझ में नहीं आता है कि कहाँ इनका विकास हुआ है। इनका विकास तो अभी पैदा नहीं हुआ है। हमारा जो विकास है तेनारायण है वो दिखता है। आप देखिए, चाहे जहाँ तक चाहिए, सड़क देखिए जहाँ आप खड़े हो, वो सड़क देखिए, कुली चौराहा देखिए, क्या नहीं है उनके पास। हर हमारे सुख दुख दर्द में हमेशा साथ रहते हैं। हम तो आज तक उस विधायक का नाम ही नहीं जानते हैं जिसको लोग बेतुका मुक्ता कहते हैं। हमने तो नहीं देखा उनको। हाँ भैया, आप बताइए। ये अयोध्या विधानसभा है और अयोध्या विधानसभा विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। अयोध्या विधानसभा ने 22 वर्ष एक दल के एक विधायक को देखा, जो आज सांसद है उन्हीं के दल का व्यक्ति 17 से 22 तक यहाँ विधायक था। आज आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, पांच बड़ी सड़कें हैं। खुशहालगंज का किसान जब गन्ना लाद के टाली लेके मसौदा आता था तो डेढ़ घंटे का समय उसको लगता था, आज वो 45 मिनट मसौदा मिल पहुंच जा रहा है। तेल बच रहा है, गाड़ी की सर्विसिंग बच रही है और तमाम सुविधाएं उसको। मेडिकल कॉलेज का निर्माण पवन पांडे की देन। हमारे यहाँ घाटों पर चेंजिंग रूम का निर्माण पवन पांडे की देन। अयोध्या नगर और फैजाबाद नगर में तमाम गलियों को सड़क निर्माण पवन पांडे की देन। नालियों का निर्माण पवन पांडे का देन। अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम पवन पांडे का देन। तो तमाम विकास के बड़े आयाम जो पवन पांडे ने यहाँ खड़े कर दिए हैं, उसको लाख पाना या किसी को उसके करीब पहुंच पाना यह मुश्किल है। 5 वर्ष यहाँ बीत गया है और शायद इस गांव के लोग, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो परिचित होंगे अपने विधायक से, जो मौजूदा विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता से बहुत कम लोग परिचित होंगे। हम लोग सड़क पर निकलते हैं, हम लोग साल 6 महीने में एक बार देख पाते हैं, 24 घंटे हम लोग रोड पर रहते हैं। हाँ भैया, आप बताइए। हम विधायक ऐसा चुनना चाहते हैं और उस दल का नेता ऐसा चुनना चाहते हैं जिसको जो रोजगार दे सके, हमें अच्छी सुविधा दे सके, महंगाई कम कर सके, हम उनको चुनना चाहते हैं। और इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पवन पांडे जी को यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं। हम लोग हर वर्ग के
उनको नेता के रूप में चुनना चाहते हैं, क्योंकि ये 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कहीं भी उनकी एक ही एक विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। और हम चाहते हैं यहाँ हर वर्ग के लोग पवन पांडे जी के साथ हैं और उनको बहुत भारी मतों से जिताएंगे। देखिए मैं ग्राम प्रधान हूँ, सरेठी ग्राम सभा का वर्तमान प्रधान हूँ, रक्षा राम सब नाम मारा है और ग्राम प्रधान सरेठी से। मैं अपनी ग्राम सभा की एक छोटी समस्या आपको बताऊंगा, आप अभी विश्वास नहीं करेंगे। हमारी ग्राम सभा में 14 बीघा पश्चर जमीन थी, ये सरकार जबरदस्ती तानाशाही में सरकार के पूर्ता खिलाफ है। हमारी ग्राम सभा में 4000 वोट हैं, मैं तो ये कोशिश करूंगा उस ग्राम सभा से इनकी जमानत जब्त करवा दूंगा, क्योंकि 14 बीघे जमीन बिना किसी मुआवजा के जबरदस्ती तानाशाही रवैये के साथ हमारी जमीन को ये लोग कब्जा कर लिए, मुआवजा कोई 1% नहीं दिए। और दूसरा, हम 3-4 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा, सरकारी काम में बाधा, उसके बाद 45 से 50 लोग के ऊपर नाजायज तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। तो ऐसी तानाशाही सरकार जो मौके वर्तमान में है, इस सरकार के खिलाफ हमारी ग्राम सभा नहीं आसपास की ग्राम सभा के लोग, खासकर मैं प्रधान हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ इस सरकार में किस तरह गरीबों का शोषण हो रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ी हुई है, कड़ू का तेल से लेके पेट्रोल डीजल से लेके इतनी ज़्यादा भयंकर समस्या है कि क्या बताएं। मैं तो प्रधान हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आज हमारी ग्राम सभा कैसी स्थिति है, या हर वर्ग के लोग यहाँ दुखी हैं।